विश्वास है तो कंकर में शंकर, विश्वास है तो खंबे में नरसिंह भगवान। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, मानो तो मैं बहता पानी। जी हाँ दोस्तों, अगर हम मानते हैं कि वो गंगा जल है तो हमारे लिए वो गंगा जल हो जाता है, यदि नहीं मानते तो सिर्फ मात्र पानी। जी हाँ दोस्तों, मैं प्रिया खंडेलवाल प्रिया संघ पूजन चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज मैं आंकड़ी की जड़ का उपाय आपके लिए लेकर के आई हूँ। पूज्य गुरुदेव जी की कथा सुनकर आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। यदि आप कथा सुनते हैं तो आपने सुना ही होगा, बहुत बार गुरुदेव जी इस उपाय के बारे में बताते हैं और बहुत सारे लोगों को यह उपाय करके बहुत फायदा भी हुआ है। तो मैं आज बहुत अच्छे से समझ के आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूंगी। उससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर लें, महादेव के भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स पर हर हर महादेव महादेव का एक प्यारा सा नाम जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको करना क्या है, आपको लेनी है आंकड़े की जड़। हमारे घर के आसपास आंकड़े की जड़ आसानी से मिल जाएगी। आपको आंकड़े की जड़ लेनी है, आपको आंकड़े के पौधे के पास जाना है। पहले तो आपको गणेश भगवान को नमन करना है क्योंकि आंकड़े के पौधे में गणेश भगवान जी विराजमान हैं। उसके बाद आप गणेश जी से प्रार्थना करें कि हे गणेश भगवान, मैं इस आंकड़े की जड़ को ले जा रहा हूँ, मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। ऐसी मनोकामना ऐसी प्रार्थना करते हुए आप आंकड़े की जड़ को ले आए। आंकड़े की जड़ लाने के बाद घर में अच्छे से धो लें। उसको धोने के बाद आपको जो यह आप उपाय करने वाले हैं, यह उपाय आपको रजस्वला के सातवें दिन पर ही करना है। तो आपको करना क्या है कि आप आंकड़े की जड़ को मंदिर पर लेकर के जाएं। आपको 21 बार शिवलिंग पर तुमरुकेश्वर महादेव का जाप करते हुए 21 बार आपको उसको जड़ को घुमा लेना है। जड़ आप एक हल्का कपड़ा लें, कॉटन का ले लें कोई भी, और उस जड़ को अच्छे से उसमें लपेट के आप कवर कर दें। वो जड़ बाहर की तरफ दिखनी नहीं चाहिए। आपको महादेव के सामने बैठकर प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, हमारी भी मनोकामना पूर्ण करो और हमें भी संतान दीजिए। ऐसी मनोकामना करते हुए तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको अपने कमर पे वही मंदिर पे ही बैठ के मौली को नापना है। अपने कमर का साइज लेकर के आपको मौली को नापना है। धागा टूटना नहीं चाहिए वरना उपाय सफल नहीं होगा। एक बार आप नाप लें, उसके बाद आप तोड़ दें। तोड़ने के बाद उस जो कपड़ा है उसमें मौली को बांध, धागे को बांध करके आप अपने कमर में बांध लें और तुमरुकेश्वर महादेव का जाप करते हुए ही इस जड़ को कमर पे बांधना है। उसके बाद आपको लेना है एक पीपल का पत्ता। पीपल का पत्ता साफ सुथरा होना चाहिए, ताजा होना चाहिए, बासी या सूखा हुआ नहीं होना चाहिए। अब पीपल के पत्ते को लेकर के धो करके आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। जो प्लेन वाला साइड होता है, चिकना वाला साइड, उधर से शिवलिंग पर समर्पित करना है और करीब 10-15 मिनट आपको शिवलिंग के पास ही बैठ जाना है और महादेव से प्रार्थना करनी है। और 10-15 मिनट के बाद उस पत्ते को उठाकर घर ले आना है। घर लाने के बाद आपको गाय के दूध में उस पत्ते को उबाल लेना है। रात के टाइम पे आप उसको अच्छे से उबाल लें। उबालने के बाद दूध को ठंडा होने दें, पत्ता उसी में ही पड़ा रहने दें। तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको पति पत्नी दोनों को ही इस दूध को पीना है, आधा आधा करके। और दूध पीने के बाद रात्रि में आप सो जाएं। ऐसा आपको करीब 1 महीने तक लगातार करना है क्योंकि जो रजस्वला धर्म होता है वो 21 दिन या 28 दिन, ऐसे किसी किसी का सबका टाइम चेंज होता है, लेकिन हाँ 21 या 28 दिन का पूरा एक चक्र होता है। तो ऐसा आपको 1 महीने तक लगातार करना है। रोज पीपल का पत्ता लेकर के जाना है, शिवलिंग पर समर्पित करना है और समर्पित करके घर लेकर के आना है। दूध में उबालकर उसको रात में तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर के उसको ग्रहण कर लेना है। ऐसा आप करेंगे तो 1 महीने तक आप करते हैं। उसके बाद यदि आपको रजस्वला धर्म नहीं आता है तो आप उस पत्ते को पीना छोड़ सकते हैं और आपको जो गांठ आपने बांधी हुई है कमर पे, आप उसको बराबर 3 महीने तक गांठ को बांधे रखें, जिससे कि आपका जो गर्भ में बच्चा पल रहा है उसकी सुरक्षा हो सके, महादेव की कृपा उस पर बनी रहे। तो आप ऐसे ये उपाय कर सकते हैं। यदि आपको रजस्वला धर्म आ जाता है तो आपको 2 महीने तक ये उपाय लगातार करना है। अगर अगले महीने आ गया
तो फिर करना है, नहीं आया तो वहीं पर रुक जाना है। ऐसे आपको यह उपाय करना है और महादेव से प्रार्थना करनी है। आशा करती हूँ कि मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहीं पर आंसर दे दूंगी। हर हर महादेव। श्री शिवाय। नमस्तुभ्यम।